अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे उम्मीद का तो सब खैर से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज मक्का व्लॉग। तो माशाल्लाह से इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का मुकरमा में। आज जो है ना वो जुम्मा का दिन है, तो माशाल्लाह से आज यहाँ पे बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये कबूतर, और ये आगे आप देख सकते हैं कि ज़मीन जो है ना वो गीली है। हरम पाक का जो सीन है ये देख सकते हैं आप कि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ये देखें कि वाइपर वाले भी यहाँ पर सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हो रही है बहुत ही ज़्यादा बारिश। इंशाल्लाह आप लोग के साथ सारा बारिश का मंजर जो है ना वो शेयर किया जाएगा, और आप लोगों को खाना का बाकी लाइव ज़्यारत भी करवाई जाएगी, और वहाँ पे जो बारिश के मंजर है वो भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर किए जाएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें कि इस वक्त जो है ना ये आपको सामने गेट नज़र आ रहा है 79। ठीक है, इस गेट से आपने हरम पाक में अंदर दाखिल होने होता है, और ये 6 नंबर हमाम है। ये 6 नंबर हमाम के बिल्कुल सामने गेट है, मर्ग फाहद गेट जिसे बोलते हैं। यहाँ से आप उमरा के लिए अंदर जाते हैं, मतलब उमरा करने के लिए सीन हरम में खाना काबा के बिल्कुल पास। तो माशाल्लाह से अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ। ठीक है, आज आप लोगों को इंशाल्लाह मौज़े हरम का सारा विजिट करवाते हैं, और यहाँ पर जो बारिश वगैरह हो रही है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को सारा मंदिर दिखाते हैं। ठीक है, तो आज माशाल्लाह से जुम्मा का दिन है, और जुम्मा के दिन अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है। ये बहुत ही गाइस देखें नसीबों की बात है कि आप एक तो अल्लाह की घर में हैं, प्यारे घर में हैं, और ऊपर से अल्लाह की रहमत है बारिश हो रही है। आपको पता है कि बारिश जो है ना वो अल्लाह पाक की रहमत ही है। तो माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं कि अभी तो मतलब बारिश जो हो रही है वो मतलब तेज़ नहीं है, अभी ज़रा हल्की, आगे जाके इंशाल्लाह काफ़ी तेज़ हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं KFC मतलब जहाँ से आपको खाने के लिए फास्ट फूड मिलती है, बर्गर वगैरह हर चीज़। ये देखें माशाल्लाह से यो जहाँ के खादमीन है वो यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता कि पानी जो ना काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है, फिर लोग होते हैं तो वो फिर फिसलते हैं पानी से। यहाँ की टाइल्स भी ऐसी होती, मतलब जो नीचे इन्होंने पत्थर लगाया है संगमरमर जो भी है, ठीक है, तो फिर लोग यहाँ से फिसल जाते हैं, इसलिए ये साथ साथ ही पानी को साफ करते रहते हैं। तो ये देखें यहाँ पर भी माशाल्लाह से कितना पानी जमा हो गया, ये देखें। तो ये उन्होंने अभी वो साथ जो है ना वो सफ़ भी बिछा दिया, ठीक है, ताकि लोग मतलब यहाँ से पौना फिसले और यहाँ से आ जाएं। ठीक है, इस पर ये मतलब खुरदरी सी होती है थोड़ी, इस पर आप आराम से आसानी से चल सकते हैं, इस पर आपका पौ नहीं फिसलता। ये देखिए अभी माशाल्लाह से ना बस थोड़ी थोड़ी किनमिन जैसे होते हैं, जो जैसे किनमिन होती है छोटी छोटी, वो हो रही है अभी, इंशाल्लाह भी तेज़ हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से अभी जो ना बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है। ठीक है, तो मतलब कभी तेज़ हो जाती है कभी आस्ता, आप देख सकते हैं कि मेरे कपड़े भी जो ना गीले हैं। ठीक है, और लोग भी यहाँ पर माशाल्लाह से इंजॉय वगैरह कर रहे हैं बारिश को, तो अभी आप देखेंगे पानी और भी जमा हो रहा है। ठीक है, यह गाइस माशाल्लाह से क्लॉक टावर। ठीक है, तो अभी देखें कि माशाल्लाह से लोग ऐसे घूम फिर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बारिश है, तो ये देखें कि पानी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, पानी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जमा हो गया। ये भी गेट है, ठीक है, इससे भी मतलब आप सीधा खाना काबा में दाखिल होते हैं, वो आपको खाना काबा नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। तो ये देखें कि उन्होंने मतलब ये सफ़े वगैरह यहाँ पर लगा दी गई है। ठीक है, ये भी एक मेन गेट है, इसे भी आप उमरा के लिए अंदर दाखिल होते हैं। ठीक है, सीन हरम में याद रहे कि अहराम के बगैर अंदर बहुत मुश्किल से दाखिल होने देते हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बारिश का जो मंजर है वो दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मतलब वो जो खजूर चाय वगैरह दे रहे हैं इस बारिश के मौसम में, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं सारा शेयर करता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि उन्होंने ये साफ भी शादी हुई कि लोगों का पाँव वगैरह यहाँ पे ना फिसले। ये अभी गाइस मैं आ गया हूँ 3 नंबर हमाम के बिल्कुल सामने। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ 3WC, तो मतलब 3 नंबर वाशरूम। वाशरूम को गाइस अरबी में बोलते हैं हमाम। ठीक है, अरबी में हमाम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब हम वाशरूम करते हैं, और इंग्लिश में वाशरूम और उर्दू में जो है ना वो लैटरिन।
तो ये देखिए अभी मैं माशाल्लाह से 3 नंबर मार्ग के बिल्कुल पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ का जो मैं मंजर आपको दिखाता हूँ ये देखें माशाल्लाह से, ये देखिए नीचे जो है ना वो सारी जगह गीली है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है यहाँ पे। ये देखिए माशाल्लाह से ये प्यारा मंजर आपको आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, मस्जिद हरम का जो बाहर से है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो चाय वगैरह और बारिश के मौसम में लोगों को दिया जा रहा है चाय और खजूरें वगैरह। तो गाइज़ अभी माशाल्लाह से मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, ये देखिए मेरे पीछे आपको 3 नंबर वाशरूम नज़र आ रहा होगा। 3 नंबर वाशरूम से बिल्कुल आपने बैक साइड पे आना, ठीक है, कहीं भी नहीं जाना, आपने सीधा बिल्कुल बैक साइड पे आना, ठीक है। ये देखिए ये 2 नंबर वाशरूम भी है इधर, 1 नंबर वाशरूम भी है और ये क्लाक टावर का ही हिस्सा है, ठीक है। 3 नंबर वाशरूम के बिल्कुल आपने ना बैक साइड पे आना, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें खाने पीने को मिलती हैं। अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ आगे जाके बिल्कुल लाइव, बिल्कुल लाइव गाइज आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वाकई यहाँ पे वो चीज़ें मिल रही हैं, खजूरें भी मिल रही हैं। मैं आपको इंशाल्लाह बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ जाके आगे, आपने बस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, इंशाल्लाह आप लोगों को आगे खाना काबा की इजाज़त भी करवाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये लगी हुई हैं खजूरें यहाँ पे, ये देखें माशाल्लाह से लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैंने भी खजूरें ली हैं, ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जो है ना वो खजूरें खा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे खजूरें खाने का गाइस अपना ही मज़ा होता है, यकीन करें हर वक्त यहाँ पे खजूरें चाहे हर चीज़ लगी रहती है, और खाना जो आपका दिल करे यहाँ से आप ले सकते हैं माशाल्लाह से, ठीक है। इनका टाइम टेबल भी होता है, ये नहीं कि 24 घंटे नहीं, नमाज के वक्त भी बंद कर देते हैं और रात को भी काफ़ी टाइम तक ना ये फिर बंद कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे लगी हुई है चाय, जिसे मतलब कावा भी बोलते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर वाशरूम और 2 नंबर वाशरूम के बिल्कुल सामने ये औरतों वाला वाशरूम है और वो 2 नंबर मर्दों वाला वाशरूम है, ठीक है। तो अभी माशाल्लाह से मैं वापस जा रहा हूँ मस्जिद हरम में, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको इंशाल्लाह मैं जो है ना वो खाना काबा की लाइव बिल्कुल ज़्यादा करवाता हूँ अंदर जाके, और अंदर का माहौल भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मौसम देखें माशाल्लाह से मौसम ठंडा हो गया और बहुत ही प्यारा हो गया। ये देखें इस गेट से हम जो है ना वो अंदर दाखिल होंगे, ये गेट है 19 और 91। अगर हम 90 से जाएंगे तो मतलब नीचे जाएंगे, अगर हम 91 से जाएंगे तो हम जो है ना वो लिफ्ट से जाएंगे, एक्सीलेटर से जाएंगे। ये देखें ये है वो सामने आपको नज़र आ रहा है वो 90 है मतलब 90, और अभी हम 91 से अंदर दाखिल आए हैं लिफ्ट से, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से ये है मस्जिद हरम का अंदर वाला मतलब अंदर वाला हिस्सा। तो गाइस माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से हम पहुंच चुके हैं अंदर, ठीक है। आपको इंशाल्लाह अंदर का सारा मंजर मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये मस्जिद हरम का जो ना अंदर वाला एरिया गाइस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तो थोड़ा सा खाली हो गया है, इंशाल्लाह जब भी नमाज का टाइम आएगा तो क्योंकि आज जुम्मा भी है तो आपको पता है कि लोग जो है ना वो नमाज के लिए फिर तैयारी वगैरह के लिए रूम में चले जाते हैं, सो मतलब काम होते हैं नहाना गुसल वगैरह करना, ठीक है सारा माहौल। तो ये दिखेगा इस ये लगे हुए माशाल्लाह से यहाँ पे जमजम पानी, ठीक है। जमजम पानी आपका जितना दिल करे आप यहाँ से पी सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं, बस हाँ आपको यहाँ पे बोतलें नहीं बनने देते, ठीक है ना। तो बोतलें क्योंकि बाहर कूलर लगे हुए वहाँ से आप इतना मर्जी पानी भर सकते हैं। तो माशाल्लाह से अभी आ गया हूँ मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे चल रहा है तवाफ़े काबा, मतलब जो नफली तवाफ होता है, ठीक है। तो गाइस माशाल्लाह से अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है तवाफ बिल्कुल आप माशाल्लाह से देख सकते हैं, ठीक है। ये भी जमजम पानी लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी चल रहा है तवाफ, ठीक है, जो मतलब नफली तवाफ होता है। एक होता उमरे के लिए तवाफ, ठीक है, और ये जो आप कपड़ों में करते हैं ये तो आप मतलब आप कपड़ों में करते हैं, इसके लिए आपको एहराम की ज़रूरत नहीं होती। माशाल्लाह से मैं आ गया हूँ बिल्कुल है खाना काबा के सामने, आप बिल्कुल लाइव ज़ियारत कर सकते हैं, वो आप लोगों को माशाल्लाह से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो तवाफ़ होता है ऊपर नफली तवाफ़, इसके लिए आपको एहराम की ज़रूरत नहीं होती, आपकी मर्ज़ी है एहराम पहन लें ना भी पहन लें, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि ये नफली तवाफ़ है, ये आप उमरा के लिए तवाफ़ नहीं कर रहे, ठीक है।
ये देखिए माशाल्लाह से आप खाना काबा की बिल्कुल ही लाइव जात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए उन्होंने मतलब थोड़ा सा ये इधर कर दिया हुआ है इस वजह से। तो अभी हम माशाल्लाह से जा रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। ये देखिए रश भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी हम इंशाल्लाह जाएंगे बाहर। बाहर का मंजर भी आपको मैं इंशाल्लाह एक बार आपके साथ में शेयर करता हूँ। बस ये रास्ता बिल्कुल ही नीचे की तरफ जाता है, तीन नंबर हमाम। वो देखिए मैं फिर से वहीं पे आ गया हूँ, वो आप लोगों को माशाल्लाह से सामने तीन नंबर हमाम नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ नीचे, ठीक है। नीचे भी इंशाल्लाह जाके मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। और गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, ठीक है। जुम्मा का दिन था और बारिश के मंजर थे, ठीक है। ये था हमारा आज का व्लॉग, ठीक है। उसके बाद अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी और इस्लामिक और इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को बिल्कुल सही वक्त पे एन वक्त पे रिसीव होते रहें। जज़ाकअल्लाह।